नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया। और लगातार पहले ही दिन से, जिस दिन से फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की जो सिलेक्शन लिस्ट निकली है, जिसके अंदर ड्राइवर और फायरमैन की सिलेक्शन हुई है, हम वो आवाज़ उठा रहे हैं कि लगातार ये जो लिस्ट निकली है ये पूरी तरह से फ्रॉड हुआ है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के हमारे यहाँ के युवाओं के साथ, और युवा लगातार सड़कों पर हैं। हालांकि कल भाजपा द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भाजपा एक तरफ से प्रदर्शन कर रही है, दूसरी तरफ से भाजपा के नेता गवर्नर साहब से भी मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने बात की है, लेकिन उन्हीं के नाक तले ये लिस्ट भी निकल जाती है। तो बड़े सारे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन बड़ी बात ये है कि एक जगह से पेपर लीक हुआ, वहाँ के बच्चे 96-97 नंबर लेके पास होते हैं, जो सिर्फ 8वीं पास हैं, और कई सारे ऐसे ग्रेजुएट बच्चे जम्मू के कश्मीर के, उनको फेल कर दिया जाता है, जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, और उनके विपरीत 8वीं कक्षा तक पढ़े हुए बच्चे जो हैं 96-97 नंबर ले रहे हैं, वो भी जब इंटरनेट नहीं चल रहा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बलवंत सिंह मनकोटिया जी, फॉर्मर MLA और जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट। मनकोटिया साहब, आपका स्वागत है। पैंथर्स पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है, और आपके लगातार यहाँ पर प्रदर्शन चेयरमैन जो आपके हैं उनके द्वारा भी किया जा रहा है, महिला मोर्चा जो है आपकी पैंथर्स पार्टी उनकी तरफ से भी किया गया, आपने भी उधमपुर में आवाज़ उठाई, क्या आप कहना चाहेंगे और किस तरह से आपको भी लगता है कि एक फ्रॉड हुआ है यहाँ के युवाओं के साथ? देखिए, यहाँ पे सोशल मीडिया में स्क्रीनशॉट तक वायरल हुए हैं कि जिस दिन ये पेपर हुआ, और उस दिन लगभग पेपर के 2-3 घंटे पहले, और टाइमिंग भी है उस स्क्रीनशॉट में कि 3 घंटे पहले ये पेपर लीक हुआ, और उसके बाद जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स थे उनको ये पेपर दिया गया, और उसमें खासकर फोकस जो है कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट थे उन पे रखा गया है। और इतनी बड़ी बात होने के बाद हंगामा होता है, लोग सड़कों पे आते हैं, जो कैंडिडेट थे जिन्होंने अप्लाई किया था वो सड़कों पे आते हैं, और उसके बाद रिज़ल्ट कुछ नहीं आता और उन लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है जो गलत तरीके से जिनको अपॉइंट किया गया है। और उसके बाद एक पावर में पार्टी जिसके आप बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी, जिसकी केंद्र में पावर है, और UT इनडायरेक्टली रन बाई द भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार रन कर रही है हमारी UT को, और उनके लोग जब सड़क पे आते हैं तो ये बात कुछ पचती नहीं है कि अब वो लोग सड़क पे भी आएंगे, अब वो लोग कहेंगे सरकार भी हमारी है, ये दोनों, ये तो अजीब सा हमें एक देखने को मिला है कि कल उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है, और ये जम्मू के लोगों को पहले ही डाइजेस्ट नहीं थी उनकी पॉलिसीज़, जिस तरीके से उन्होंने उनके कार्यकाल में जब से उनके 25 के 28 ही MLA बना के भेजे, और उसके बाद आज तक लोगों को बात तो पच नहीं रही थी कि उन्होंने जिस तरीके से जो कमिटमेंट्स, जो वादे करके हमसे वोट लिए उस पर तो 0% खरा उतरे हैं, लेकिन आज एक नया रोल उनका देखने को मिल रहा है कि सरकार जब बातें करते हैं सरकार हमारी है, दिल्ली में हमारी UT हमारी है, हम UT सरकार इनडायरेक्टली हम चलाते हैं, और आज वही उस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, ये लोगों को कुछ बात समझ नहीं आ रही है, समय से परे है। बलवंत जी, बच्चों का ये भी कहना है कि एक ही जगह से, जहाँ पर मतलब अगर उनकी क्वालिफिकेशन देखी जाए, जिनके 97-96 नंबर आए हैं, आप लगा लीजिए कि 100 में से 100 ही नंबर है, वो 8वीं पास बच्चे हैं, और जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उनके नंबर कहीं लिस्ट में है ही नहीं। दूसरा, आपने खुद का स्क्रीनशॉट्स जो है सोशल मीडिया पर हैं, पेपर पहले ही लीक हो चुका था बड़गाम में, तो इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी कहाँ है, कहाँ पर हैं इस टाइम? अगर यूनियन टेरिटरी की हम बात कर रहे हैं, ये कहा गया था कि अब ट्रांसपेरेंसी होगी, यहाँ पर करप्शन नहीं होगी, ये तो पहला ही जो लिस्ट निकली है सिलेक्शन की उसके अंदर इतनी बड़ी करप्शन है, जिसके अंदर सिर्फ फायरमैन और ड्राइवर्स लगने थे। अभी हालांकि पता नहीं और कितनी धांधली आने वाले दिनों में, जम्मू एंड कश्मीर के भी बैंक के भी पेपर होने हैं, आपको लगता है कि कहीं कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग अभी भी हैं जो इस चीज़ को भी बढ़ावा दे रहे हैं करप्शन को? देखिए, एक तो मैं ये कहूँगा कि जो एजेंसीज हमारे यूटी सरकार की हैं, जिनका काम करप्शन के ऊपर रोक लगाना है, करप्शन के ऊपर कार्रवाई करना है, उन एजेंसीज़ को ज़रूरी है कि कोई एप्लीकेशन देगा और तभी वो कार्रवाई करेंगे। एप्लीकेशन मैक्सिमम आती हैं एक दूसरे के टकराव में, एक दूसरे की लागतबाजी में, कि वो ज़्यादा पैसे कमा गया मुझे कम आए, लेकिन ये तो एक ये मैटर ऐसा है कि जिसको उन एजेंसीज़ को चाहिए था कि वो अपने लेवल पे इस पे कार्रवाई करें, और आज तक रिजल्ट आना चाहिए था, लेकिन आप लोग ज्वाइन कर चुके हैं, और ज्वाइन करने के बाद अगर कोई कार्रवाई होगी तो वो कोर्ट में स्टेट चला जाएगा, तो होगा तो कुछ नहीं। तो इसलिए करप्शन को बढ़ावा जो है जम्मू कश्मीर में, हमें ये लग रहा था कि नए
उपराज्यपाल आए हैं और शायद इसके बाद, क्योंकि इनका पॉलिटिकल फील्ड अगर देखें, पॉलिटिकल कैरियर देखें, वो भी लंबा सफ़र है। इनका एडमिनिस्ट्रेशन में चूँकि मंत्रालय दिल्ली में मंत्री रहे हैं तो प्रशासन में भी इनका एक बेहतर रोल देख सकते थे हम। लेकिन जिस तरीके से पहली लिस्ट निकलती है और जिसमें जम्मू को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया जाता है, 10% लोगों को लगभग 70 पोस्टें, 696 से 70 पोस्टें जम्मू को दी जाती हैं और बाकी सारी कश्मीर में जाती हैं, तो हमारे इस मसले में हम सिर्फ कश्मीर जम्मू की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल हम बात करते हैं कि जो डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, जो एफिशिएंट हैं, अगर आप बात करें पिछले 25-30 वर्षों की, तो मुझे नहीं लगता 30 वर्षों के इस मिलिटेंसी के कार्यकाल में 4 या 5 वर्षों से ज़्यादा कश्मीर में लोगों के प्रॉपर पेपर के बाद स्टूडेंट्स को पास किया हो। अक्सर वहाँ पे एग्ज़ाम जो है वो मास प्रमोशंस दी जाती हैं और मास प्रमोशन का बच्चा कंपटीशन जब आए तो वो 96% नंबर ले, और जो हमारा बच्चा कभी मास प्रमोशन में पास नहीं और वो 20 नंबर या 22 नंबर लेगा, और एक नहीं दुकानी मतलब 90% लोग उनके हैं 90% नंबर लेंगे और हमारे 10% लोग ही पास हो पाएँ, तो ये मतलब ये अनफॉर्चुनेट है। और मतलब करप्शन के ऊपर कोई हमारी कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, जिसकी वजह से ऐसे लोगों का जो हौसला बुलंद है, और ऐसे लोग कोई अकेले नहीं होते हैं, उनके पास ब्यूरोक्रेसी, उनके पास पॉलिटिकल सिस्टम जो है एक गिरोह जिसको कहेंगे बना है, जिसमें डेफिनेटली हमारे कुछ ब्यूरोक्रेट, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ब्यूरोक्रेट मिले होते हैं और कुछ पॉलिटिशियंस मिले होते हैं और इस तरीके का धंधा करके हमारे उन स्टूडेंट्स का करियर जो है ख़त्म कर देते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में अपने बलबूते पे कुछ बनना चाहते हैं, अपने बलबूते पे पढ़ाई करी है जिन लोगों ने, उनको डिमोरलाइज कर दिया जाता है, उनको वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि एक करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारी जम्मू कश्मीर में आज तक रहा है, और हमें लगता है कि ये करप्शन जो है खासकर बीजेपी के कार्यकाल में ख़त्म होगा, लेकिन बढ़ावा मिला और आज हमें लगा कि शायद नए उपराज्यपाल आए हैं, इनके पास एक्सपीरियंस और केंद्र सरकार ने एक और नया तजर्बा इनको भेज के किया है, तो शायद इसमें आते ही अंकुश लगेगा। लेकिन मुझे लगता है उनको भी इन ऑफिसरों ने कभी बैक टू विले ले जाते हैं, कभी एक पहाड़ी चढ़ाते हैं, कभी दूसरी पहाड़ी चढ़ाते हैं, इनको भी उलझा के रखा है, मुझे नहीं लगता कि ये मेन मुद्दे पे उनको पहुंचने देंगे। इसलिए मैं उपराज्यपाल जी से बात करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जब भी किसी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं मत के ऑफिसर के कहने पर जाइए, क्योंकि वो जब उस डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं वो 5 सरपंच जो उसके चेले होते हैं उसको खड़ा कर देते हैं, जनाब ये फलां अफसर साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, 5 पॉलिटिशियन खड़ा कर देते हैं जो उनके सपोर्टर होते हैं, जनाब ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हालांकि वो लूट रहे हैं, वो लोगों को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन अब चूंकि ऑर्गेनाइज प्रोग्राम है, अगर कोई डायरेक्ट किसी गांव में जाते हैं और वहां आम लोगों को पूछें कि हालत क्या है, प्रशासन ने तबाह और बर्बाद करके रख दिया है लोगों को, और खासकर इस जो नया संक्रमण आया है इन दिनों बिल्कुल तबाह और बर्बाद करके रखे थे। और करप्शन का मतलब मैं तो कहता हूं कि ऐसे ऑफिसर भी आपको मिलेंगे अगर उनके खिलाफ इंक्वायरी हो इन 7-8 महीनों में, जिन्होंने 100-100 करोड़ बनाया, ऐसे अधिकारी भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन इंक्वायरी कौन करेगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है इस टाइम जो कोविड का चल रहा है, जम्मू की हालात आप देख रहे हैं हमारी रोज़ न्यूज़ के अंदर कि हॉस्पिटल में क्या हालत है। उधमपुर की बात करें तो कोविड को लेकर अभी क्या कंडीशन है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। और दूसरी बात, कुछ दिन पहले आपके ऊपर भी एक FIR लगाई गई जब कुछ एक एरिया को सील करके रखा हुआ था और वहाँ के लोकल लोगों का कहना था कि एरिया को जो है खोला जाए। उसके अलावा लखनपुर में भी अभी हालत बड़ी ख़राब है, आपका प्रेस नोट भी आया था लखनपुर को लेकर कि उसे खोल देना चाहिए, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, कोविड के नाम से एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है जम्मू कश्मीर में चल रहा है, हमारे करीब हर डिस्ट्रिक्ट में, और लेकिन उधमपुर में तो मैं कहूँगा कि हद ही हो गई है। अब जब अनलॉक 5, पहले लॉक हुआ फिर अनलॉक 1, 2, 3, 4, तो गाइडलाइन बदलती रही। पहले तो हम ये केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को, लास्ट ईयर 5 अगस्त को जब हम UT बन गए, हमारा जम्मू कश्मीर का संविधान जो है ख़त्म हो गया, हम डायरेक्ट केंद्र सरकार के अधीन आ गए, फिर जब भी आपकी इस खासकर अलग, मैं और इशू पे नहीं जाऊंगा, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, आज तक जितनी बार भी गाइडलाइन आई हैं कोरोना को लेके, कोविड को लेके, उन गाइडलाइन को कभी भी सीधा इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। वहाँ से गाइडलाइन आती है पूरे देश भर में, एक लेवल पे, एक वन गो में उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, ऑफिसर को हर स्टेट को कहा जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अधिकारियों पे, चीफ सेक्रेटरी पे छोड़ दिया जाता है, यहाँ के DCs के ऊपर छोड़ दिया जाता है, आप जो करना चाहो। भाई क्या आज मतलब 70 साल तक इन ब्यूरोक्रेट्स ने हमें 370 के नाम से लूटा, आज हमें कोविड के नाम से लूटेंगे, ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? फिर अगर डायरेक्ट, हमारा कानून नहीं है, फिर डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं? अनलॉक 5 में जब कह दिया कि नो रेड जोन, कोई रेड जोन नहीं है, आज भी देखिए कि हमारा उधमपुर और बहुत से डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको रेड जोन करके रखा है,
डिस्ट्रिक्ट पूरा नहीं होगा तो डिस्ट्रिक्ट एरिया रेड जोन करके रखे हैं। अनलाइक 5 में ये कहा कि कंपल्सरी रैपिड टेस्ट कोई नहीं कराएगा, जिसको प्रॉब्लम है वो करवाएगा, लेकिन घरों में जाके लोगों को धड़ा मारा जाता है कि आप पुलिस उठवा लेगी, FIR लगेगी आप नहीं करवाओगे, तो क्या इसमें कोई बड़ा स्कैंडल नहीं लगता है कि आपको क्या जरूरत है? और साथ में अगर मेरा टेस्ट होता है मैं नेगेटिव आता हूँ और कल में क्या गारंटी है कल भी नेगेटिव रहूँगा, परसों में हज़ारों लोगों को मिलता हूँ, या तो मेरा डेली टेस्ट कीजिए, ये टोटल फ्रॉड है। टेस्ट मैं कहूँगा कि डेफिनेटली करना चाहिए, उन लोगों का करना चाहिए जिन लोगों को कोई शिकायत है, उनको खुद फोरफ्रंट पे आना चाहिए, जो बेसिकली बिल्कुल बेसिकली फिट है उसको क्या जरूरत है। फिर अगर आप देखें सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे दुकानों को एक एक हफ्ते के लिए सीज किया जाता है, 5,000 का जुर्माना अगर एक आदमी किसी दुकान में ज़्यादा दिखता है। मुझे बताइए अगर मैं दुकानदार हूँ आप दुकानदार हैं, आप किसी ग्राहक को नीचे उतार सकते हैं? गाड़ियों पर आप बसेज हैं मेडोर हैं, वहाँ दो आदमी ज़्यादा होते हैं तो बस को हफ्ते के लिए सीज करके आप 15,000 का जुर्माना ठोक देंगे, कैसे रोकेंगे? एक गाँव में लगातार जो एक रूट में मेडोर चलती है उधर उसका स्टूडेंट है, उसका पड़ोसी है, मित्र है, भाई है, बहन है, दोस्त है, कैसे उतारेगा मेडोर में जब चढ़ जाएगा? वो धक्के मार के उतारेगा, लड़ाई करेगा, सिर पटवाएगा। तो इस तरीके से टार्चर लोगों का, और गांव में तो कंसेप्ट ही नहीं, आप किसी भी गांव में जाएं पिछले 6 महीनों में मैंने इक्का दुक्का लोग देखे हुए जिन्होंने मास्क पहना, और किसी गांव से रिपोर्ट आई आपको कि गांव में कोरोना से फलाना बंदा मर गया? कोई रिपोर्ट नहीं आई, कोई मसला नहीं है, लेकिन गांव का आदमी जिसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं शहर में आता है उसको 500 रुपये उससे जुर्माना कर लिया जाता है, उस बेचारे के दवाई के पैसे, मास्क जैसे मैंने रखा है ऐसा मिल जाए तब उससे पैसे लूट लिए जाते हैं। तो ये लूट खसूट है, लोग तो अपनी ज़िंदगी बगैर सरकार के अपनी ज़िंदगी दोबारा जीना चाहते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी से जीना चाहते हैं, लेकिन उनको जीने का अधिकार नहीं है। वो मेहनत मजदूरी से अगर जीना चाहते हैं तो उनको कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से उनके ऊपर पेनल्टी डाल के उनको बंद किया जाता है। अब आप जैसे आपने कहा कि हमारे ऊपर FIR लगा दी गई, जिस एरिया में जहाँ मैं रहता हूँ उस एरिया को बहुत से एरिया किया, हमने बार बार इनको कहा कि भाई इतनी तंगी मत दीजिए, लोग लूट खसूट पे आ जाएं, लोग खुद लूटने पे आ जाएं, चोरी डकैती पे आ जाएं, वो जब लगेगी तो कुछ ना कुछ करेगा। अगर वो मेहनत से खाना चाहता है अब क्यों नहीं उसको मेहनत करने देते हो? मुझे बताइए अगर फॉर एग्जांपल जम्मू के एक एरिया, जम्मू शहर के एक एरिया को, मसलन जानीपुरी एरिया को आप 1 महीने के लिए आप रेड जोन में डालते हो, उसके दुकानदार का क्या होगा? वो जो किराने वाला उसका सारा कस्टमर दूसरी दुकान में चला जाएगा, सब्जी वाले का कस्टमर दूसरी जगह चला जाएगा, हर चाय वाले का कस्टमर चला जाएगा, और जो महीना एक महीना लगातार दूसरी दुकान में जाता है वो वापस नहीं आता है। या तो पूरा एरिया बंद हो तो कोई चक्कर नहीं, जैसे बंद रहा तो रहा, अब वो उन दुकानदारों को दुकानें खोलने का भी फायदा नहीं, उनको अपना कस्टमर वापस लेते दो दो साल लग जाएंगे, ऑलरेडी भुखमरी के शिकार हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इन लोगों ने लूट मचा के रखी है, और लूट खसूट मतलब क्या बताएं आपको। मैं एक दुकानदार के पास बैठा था, कहता है ये वाला मास्क जो है 1 रुपये में हमें आता है, 2 रुपये में हम बेचते हैं, और मेरे पास जो ऑफिसर हैं 8 रुपये का बिल लेके जाते हैं। क्या बताएं, एक एग्जांपल थोड़ी है, सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। उधमपुर में सैनिटाइजर टनल हमने लगाए, सबसे पहले 30,000 का टनल बना, और मैंने RTA के माध्यम से इन्होंने जो सरकारी बनाए 1,10,000 का, भले उसमें कौन सा इतनी चेंजिंग थी कि 1,10,000 का 30,000 से 1,10,000, तो एक नहीं है सैकड़ों एग्जाम्पलें हैं। राशन के नाम से लोगों को पका हुआ खाना बांटने के नाम से बहुत बड़े फ्रॉड हुए हैं, और डेफिनेटली मैं उपराज्यपाल जी से कहना चाहूँगा इसमें तहकीकात कीजिए, ये सैकड़ों करोड़ों का घोटाला निकलेगा। तो FIR इसलिए लगाते हैं क्योंकि इनको पता है कि ये हमें एक्सपोज करेगा, ये हमें नंगा कर सकता है, इसलिए इनकी दमन की नीति थी। लेकिन इनको थोड़ी पता कि मैं 30 साल से पॉलिटिक्स हूँ और 30 साल में मेरे खिलाफ कई FIRें लगी हैं। हमारे लिए FIR हमारा एक स्टार होता है। अगर हम चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, हम कोई भ्रष्टाचार करते हैं, फिर हमारे लिए वो स्टार उतरता है। लेकिन अगर पब्लिक के लिए लड़ते हैं और FIR लगती है तो हमारे लिए अच्छी बात है, हमारे सपोर्टर बढ़ते हैं। हमें आपने देखा, जब FIR लगने के बाद लोगों का रुझान देख लिया, फेसबुक पे देख लिया, सोशल मीडिया में देख लिया, लोगों का सपोर्ट प्रशासन या किसकी तरफ था या हमारी तरफ था, तो इसलिए FIR का मैटर नहीं है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ इनको इतना भी एहसास नहीं है कि यहाँ पे हम रहते हैं, और मैंने लगातार संपर्क में रहा, मैंने इनको कहा भाई आपने हमें कहा कि 21 दिन के बाद हम खोल देंगे, 21 दिन के पहले दिन भी बात हुई, उससे पहले भी बात हुई, और जब 21वें दिन हमने बात कही, कहते जी हमने परसों टेस्ट करवाया, आप कुछ लोग पॉजिटिव आ गए हैं, तो हमारी गाइडलाइन कहती है कि जब कोई पॉजिटिव आता है तो 21 दिन उस एरिया को बंद करना पड़ता है। मैंने कहा 21 दिन पहले रखा और आखिरी दिन आपने टेस्ट किए, फिर 4 लोग पॉजिटिव आ गए, फिर 21 दिन होंगे, फिर अगले 21 दिन के बाद आप 100 टेस्ट करेंगे, 5 पॉजिटिव आए, इसका मतलब ये ज़िंदगी भर खुलेगा नहीं, तो ये कौन सा तरीका है? 22 तारीख को वहाँ पे जो सीनियर वहाँ पे व्यापार मंडल के लोग गए, वहाँ चेयरमैन म्यूनसिपल काउंसिल के गए, तो उनको जो प्रशासन की तरफ से कहा गया अभी 10-15 दिन नहीं खुलेगा, उसी दिन गाइडलाइन आ गई, शाम को गाइडलाइन आ गई केंद्र सरकार के अनलॉक 5 की, रेड जोन खत्म कर दिया गया, कोई रेड जोन नहीं होगा।
तो उन्होंने कहा जी अभी और 10 दिन के लिए आपको कम से कम इंतजार, हमें तो 21 करना था लेकिन आप आए तो 10 दिन के लिए इंतजार करना पड़ा। अच्छा मैं महल्ले में रहता हूँ, लोग मेरे घर के बाहर आ गए, जमबाड़ा लग गया, बाहर निकला, मसला क्या है? कहते देखो जी ये तो अब मोदी के भी बाप बन गए हैं अफसर, ये तो उनकी बात नहीं मानते हैं, आप किसको बताएं, हम कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और वहाँ पे अक्सर 2 महल्ले हैं, एक महल्ला है वह बिजनेस तबका है, दूसरा महल्ला है सारे मजदूरदार लोग हैं। बिजनेस तबके को क्या कहा, बिजनेस जो दुकानदार है कहते हैं आपकी दुकान अगर बाहर है तो आप बाहर ही रखिए, अपने रिश्तेदारों को कर रही है, होटल में रहिए, आप इस रेड जोन में एंटर नहीं कर सकते। वो 22 दिनों से बाहर फंसे हैं। और जो मजदूर है या किसी की दुकान में काम करता है लड़का, 22 दिन वो दुकान में काम करने नहीं जाएगा तो दुकानदार को नया लड़का चाहिए, क्योंकि उसकी दुकान चलती नहीं है, तो 22 दिनों बाद उसको दोबारा रखेगा नहीं कोई, या महीने बाद रखेगा नहीं। जो दिहाड़ीदार है वहाँ तो दूसरा बंदा लगा दिया, अगर कोई मिस्त्री लगा किसी मकान में दूसरा लगा दिया। तो हमने कहा भाई ना इनका रोटी का इंतजाम ना खाने का, अब किस तरीके से इनको बंद कर सकते हो? तो जब लोगों ने कहा जी हम नहीं मानेंगे, अब हम केंद्र सरकार की बात मानेंगे, मैंने कहा क्या चाहते हो? कहते तार उखाड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है, लोगों ने उतार दी तार उखाड़ दी और FIR डायरेक्टली मेरे नाम से लग जाती है, इंडिविजुअल माफ था, 700-800 लोग थे, इंडिविजुअली किसी का नाम नहीं, मेरे खिलाफ पर्चा। तो इसका मतलब साफ है कि प्रशासन को ये लगता है कि हम इनको एक्सपोज करेंगे और हमें किसी न किसी तरीके से दबाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने देख लिया, उन्होंने दबाने की कोशिश की। और कल जब पता लोगों को चला परसों, तो कल की डेट में हज़ारों लोग सड़कों पर आ गए और प्रशासन को फिर हाथ पांव फूल गए प्रशासन के। तो हम ये कहना चाहते हैं हमारी लड़ाई किसी प्रशासन से नहीं है, किसी अधिकारी से नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। और सिस्टम के खिलाफ जो भी होगा, वो DC हो, वो DG हो, वो चीफ सेक्रेटरी हो, उसके खिलाफ तो 30 वर्षों से लड़ते आए हैं, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उसके 30 वर्षों से लड़ते आए हैं। और अब हम अपना स्टाइल बदलेंगे नहीं, उनके खिलाफ लड़ेंगे और गरीब की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और भ्रष्टाचार लोगों को एक्सपोज करते रहेंगे। उसको सजा देना, उसके खिलाफ कार्रवाई करना तो सरकार की जिम्मे है, लेकिन हम तो एक्सपोज करेंगे, ये मैं साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मनकोटिया जी बात करने के लिए। बलवंत सिंह मनकोटिया जी हमारे साथ बात कर रहे थे, मुद्दा फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज में हुआ फ्रॉड और उसके साथ साथ कोरोना वायरस में किस तरह से धांधली चल रही है कई इलाकों में। जम्मू के अंदर तो हम आपको रोज़ाना बताते ही हैं, उधमपुर में भी कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं जो सामने ला रहे हैं बलवंत सिंह मनकोटिया जी। हालांकि उनके ऊपर एक FIR भी लगाई गई है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कि इन्होंने वहां पर जो है तारबंदी के साथ छेड़छाड़ की है, लेकिन ये आम लोगों का कहना है कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं इस कोरोना के नाम पर। देखते रहें JK मीडिया। आशीष कोहली कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ JK मीडिया के लिए धन्यवाद। जय हिंद।